मैडम लीजिए आपका ड्रेस। ये क्या है? आपका ड्रेस। बाकी कहाँ है? यही तो है। मगर मुझे तो कहा था कि रेडीमेड कपड़ों की ऐड है। ओ यही तो है रेडीमेड प्रोडक्ट। भीनी भीनी बिकनी, ओ आज की नारी कल तक इसे पहनने से पानी पानी हो जाती थी। भीनी भीनी बिकनी जापानी, तंग तंग, कम ऑन चलिए पहनिए इसे। व्हाट नॉनसेंस, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्यों नहीं पहनती? व्हाई? जब ये सोना पहन सकती है, आई एम सॉरी, जब ये सोना पहन सकती है, मोना पहन सकती है। हाय मोना, हाउ आर यू, गॉड ब्लेस यू। जब ये दोनों पहन सकती हैं तो आप क्यों नहीं? क्या इंसान नहीं है? क्या इनके सीने में दिल नहीं है? आप समझते क्यों नहीं? आप नहीं समझती है मैडम। देखिए कपड़े जितने छोटे होते हैं कामयाबी उतनी ही बड़ी होती है। मैं नहीं पहनूंगी, अपने प्रोड्यूसर को बुलाइए। देखिए मैडम, ये कपड़े अगर आप नहीं पहनेंगी तो बहुत नुकसान होगा, मुझे पहनने पड़ेंगे। इवन आई डोंट लाइक एक्सपोजिंग। अब मैं नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ। रुकिए, आपको पैसे ज्यादा चाहिए ना? मिल जाएंगे। ये पैसे की बात नहीं है, मैं पैसे। स्टॉप दिस नॉनसेंस। कौन है ये? क्या तमाशा हो रहा है वहां पर? बंद करो ये बकवास। ये अंधेरे में कौन बोल रहा है? एक लाइट मारो, लाइट मारो। सर, सर आप, सर आई एम वेरी सॉरी सर, वो अंधेरे में आपके बाद मैं पहचान नहीं पाया, सुन नहीं पाया मैं। तो अब सुन लो, जो इस कंपनी में औरत की इज्जत नहीं करता वो इस कंपनी के लायक नहीं है। औरत का जिस्म कोई नुमाइश की चीज नहीं है, और तुम्हें पता होना चाहिए हम यहां पर एक एड फिल्म बना रहे हैं, कोई ब्लू फिल्म नहीं। ब्लू फिल्म? ब्लू फिल्म मैंने कभी देखी नहीं सर। शट अप, शट अप। पर बिकली तो हमारी फिल्म का प्रोडक्ट है सर। जानता हूं मैं, प्रोडक्ट बदल भी सकता है पर मॉडल नहीं। आइंदा औरतों की खूबसूरती की इज्जत करना सीखो, समझे? जी। फिल्म में सिर्फ सीमा ही रहेगी। पैक अप, आई सेड पैक अप। सुना नहीं आप लोगों ने? आई एम सॉरी सीमा, इस माहौल में हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरी वजह से आपका मूड खराब हुआ, आई एम सॉरी सर। सर नहीं, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ चौधरी, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी झिझक को। व्हाई डोंट यू कम टुमारो, हम कल नए मूड में अच्छा काम करेंगे। कल मैं नहीं आ सकती सर। कोई खास वजह? वजह थोड़ी सी पर्सनल है। कोई बात नहीं, जब तुम्हें पर्सनल कामों से फुर्सत मिल जाए तब शूटिंग कर लेंगे। ओके, अब मैं जाऊं। सुनो सीमा, जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बॉस, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। मैंने जैसा समझाया आपने तो उससे भी अच्छा बोला बॉस। इट वॉज वेरी गुड। अच्छा था ना? बहुत अच्छा था बॉस। बॉस अब तो आप समझ लीजिए कि आपका 90% काम हो गया। थैंक यू। राइट, ये परफॉर्मेंस वगैरह तो ठीक थी मगर ये पर्सनल बात क्या हो सकती है इसकी? कई इसका किसी और के साथ? नो बॉस, नॉट एट ऑल। ये देखिए ना, इस बायोडेटा में लिखा हुआ है कि कल 25 तारीख को उसका हैप्पी बर्थडे है। राइट, यस। और अब प्लान नंबर 2, अ हैप्पी बर्थडे पार्टी। बॉस मेरे पास एक इतना कमाल का आइडिया है कि थोड़े पैसे मिलेंगे बॉस। इस पॉकेट में बॉस, दिस वन। पहने दीजिए ना, बाकी बचेंगे तो वापस करूंगा। आई रिटर्न देम। ओह माय गॉड, इतने खूबसूरत फूल, आर दे लवली। और ये देख, ओह गॉड, राहुल ये सब क्या है? फूल, फ्लावर्स, पुष्प सिद्धार्थ साहब ने भेजे हैं आपके लिए। लेकिन उनको कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे है? सिद्धार्थ साहब को जो लोग पसंद आते हैं वो उनके बारे में सब कुछ मालूम कर लेते हैं। और हाँ, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भी भेजा। वन मिनट, ये वो। ये देखिए, नजर की इस सीमा से उस सीमा तक सिर्फ तुम ही तुम हो सीमा। हैप्पी बर्थडे। ये उन्होंने लिखा है? मैंने लिखा है। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली सिद्धार्थ साहब के बिजनेसमैन वाले दिल में
कहीं छुपकर कोई कोने में एक शायर भी बैठा है। सीमा, ये छोटा सा फूल मेरी तरफ से। सीमा, हाँ? सीमा, तुम्हारे लिए फोन है, सिद्धार्थ साहब का। सिद्धार्थ साहब का फोन है? तुम्हारे लिए सिद्धार्थ साहब का फोन है, ये पकड़। हेलो, हैप्पी बर्थडे सीमा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। यस, आपके लिए। दिस फॉर मी? ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शाबजी, तुम शाला बहुत चालू आदमी है। तुम मसाज किसी और को देता है और चूमा किसी और से लेता है। मान गए सर, लड़की हासिल करना तो कोई आपसे सीखे नहीं। शुक्ला, नहीं, इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। ये लड़की मिडिल क्लास की है ना? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप जानते हैं कि लड़की एम्बिशियस है, नाम और शोहरत कमाना चाहती है। यू आर राइट शुक्ला, और उसका ये सपना मेरे अलावा कौन पूरा कर सकता है। यस यू आर राइट शुक्ला, मैं जा रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर मेरी उसकी मीटिंग है। Bye bye. Take care. All the best, sir. You are a lucky man. Luck नहीं शुक्ला, इसे हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है शुक्ला जी? Morning sir. सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाओ, एक अर्जेंट मीटिंग करनी है। सर इस वक्त? एनी प्रॉब्लम? सर मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स थी, वो तो कैंसिल कर दो। बड़े पापा रोज रोज थोड़ी ऑफिस में आते हैं, राइट पापा? ठीक है सर, मैं सब कुछ अरेंज करके वापस आता हूँ, आप बैठिए। गुड। सिद्धार्थ, यू वेस्टिंग टाइम। देखो भूषण, आई लव टू सी यू इन ट्रबल, जल्दी, बड़े पापा को टाइम नहीं है। भूषण। जी पापा। हेलो, मैं आ गया। तुम? आई एम सॉरी, आई एम लेट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरी मैडम, नौकरी, पापी पेट, यू नो हाउ इट इज, ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ साहब कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं, और आप जैसी ब्यूटी की ड्यूटी करने के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया। योर सिंसियरली। क्या आप बता सकते हैं कि वो कब आएंगे? वो अभी आते ही होंगे, तब तक मैं हूँ ना। देखो तुम मेरा मूड और खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में है। मैं समझ गया, गुस्से में। ठीक है, मैं आपका मूड और खराब नहीं करता, मैं हिसाब कर लेता हूँ। वो क्या है सीमा, आदमी रोज का रोज हिसाब करता रहे ना तो पैसों की बहुत बचत हो जाती है। यू नो, 100 रुपए के पॉपकॉर्न, 400 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए के फूल। एक मिनट। हाँ, 200 रुपए के फूल? हाँ। ये सड़े हुए फूल? हाँ। अच्छा लूट रहे हो अपने बॉस को। मैडम मैडम मैडम, इन सब चीजों का रेट कार्ड है मेरे पास, और मेरे दाम बिल्कुल फिक्स्ड हैं। ये देखिए मेरा रेट कार्ड, ये 200 रुपए फूलों के, 100 रुपए लड़की के साथ आधा घंटा घूमने के, 10 रुपए लड़की का हाथ पकड़ने के, और 100 रुपए लड़की की ब्यूटी की झूठी तारीफ करने के। और अगर इन सबका बिल 500 रुपए से ज्यादा हो जाए तो एक किस फ्री आपको यहीं पर दूं कि बांध के दूं? देखो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये घटिया सर्विस। कोई बात नहीं, मेरे पास कंप्लेंट बुक भी है, आप अपनी शिकायत इसमें दर्ज कर सकती हैं। यहाँ प्लीज राइट, लिखे लिखे राइट। मैं जा रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठे रहो। बट आई लाइक योर कंपनी। आई डोंट केयर। अरे अरे रुके दो, अरे सुनिए तो। कह देना मैं चली गई।